प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप गए हैं वो हर भारतीय के लिए बड़ा संदेश है, और वो संदेश है उन सब भारतीयों के लिए कि जिनको छुट्टी पर जाना निकलना होता है कि भारत में इतने विभिन्न स्थल हैं जो कि एक तरफ जो लक्षद्वीप है जहाँ पर समुद्र भी है और समुद्र का किनारा भी है और साफ पानी भी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास लेह लद्दाख जैसे पहाड़ भी हैं और सुंदर वहाँ पे जो है सीनरी भी है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो आप चाहे पहाड़ों को चुने, चाहे समुद्र के किनारों को चुने, चाहे वन क्षेत्रों को चुने या फिर बेहतरीन होटलों को चुने, आपके पास जब भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं तो उसका आनंद लें और भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें ताकि भारतीयों का व्यापार बढ़े और भारतीय ही अपने भारत के विकास में सहयोगी बने। सवाल हमारे छोटे छोटे हैं वो आप बता दीजिएगा। मैडम बताइए कार्यक्रम के विषय में बताइए पहले तो आप। देखिए मोदी जी की जो कर्ण है कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, काल शुरू हो चुका है और आने वाले जो 25 साल है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। भारत को अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं और आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनना है तो हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा और सबका साथ सबका विकास का जो कार्यक्रम है वो तभी संभव होगा। कोई व्यक्ति भारत सरकार की स्कीमों से वंचित ना रह जाए उसका भी पूरा प्रयास है। प्रशासन आपके द्वार आया है, कोई टीबी का मरीज बिना दवा के बिना पोषण के ना छूटे, कोई बहन जो धात्री महिला है गर्भवती बहन है बिना पोषण के ना छूटे, कोई बच्चा जिसको सुकन्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना चाहिए ऐसी कोई बेटी ना बचे, सब व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ मिले, सबके बैंक खाते खुले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर बहन भाई के लिए शौचालय का प्रबंधन हो, साफ जल की व्यवस्था हो, यही प्रयास है। और तभी जब ये सब संभव होगा राष्ट्र हमारा एक विकसित राष्ट्र बनेगा। हर बीमार व्यक्ति को पूरी स्वास्थ्य लाभ की सुविधा मिले तो कैंप भी लगाए जा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक की बीमा योजना का लाभ है वो भी बनाए जा रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आप सब माध्यम बने देश के हर व्यक्ति तक इस संदेश को पहुंचाने का, ताकि जहां जहां विकसित भारत यात्रा की मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे वहां पर लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इन सभी योजनाओं से जुड़े और लाभ उठाएं। मैडम हम 2 घंटे से खड़े हैं, एक दो सवाल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप विदेश मंत्री हैं, हमारा सवाल यह है कि मालदीप में जो है जो पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले 3 मंत्री थे उनको मालदीप में जो है सस्पेंड कर दिया गया, तीनों मंत्रियों को, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब सस्पेंड कर ही दिया तो मुझे क्या कहना है जी? मतलब मुझे सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप गए हैं वो हर भारतीय के लिए बड़ा संदेश है और वो संदेश है उन सब भारतीयों के लिए कि जिनको छुट्टी पर जाना निकलना होता है कि भारत में इतने विभिन्न स्थल हैं जो कि एक तरफ जो लक्षद्वीप है जहाँ पर समुद्र भी है और समुद्र का किनारा भी है और साफ पानी भी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास लेह लद्दाख जैसे पहाड़ भी हैं और सुंदर वहाँ पे जो है सीनरी भी है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो आप चाहे पहाड़ों को चुने, चाहे समुद्र के किनारों को चुने, चाहे वन क्षेत्रों को चुने या फिर बेहतरीन होटलों को चुने, आपके पास जब भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं तो उसका आनंद लें और भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करें।